हेलो गैस, देखिए ये अमरूद का पेड़। वेलकम टू तेलंगाना आमिर खान ब्लॉग्स। देखिए आज इस व्लॉग में मैं आपको मेरे घर का अमरूद का पेड़ आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये कुछ कम 9 साल का है। इसको ढेर सारे अमरूद लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के है। ये जो ऊपर ग्रीन है अंदर रेड है फ्रेंड्स, देखिए इसका अंदर रेड कलर होता है। देखिए अभी बहुत कुछ मैं फ्रेंड्स को बांट दिया हूँ, अभी कुछ बचे हैं तो मैंने सोचा ये व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए। देखिए अब ये येलो कलर का हो चुका है। ये कच्चे भी बहुत मीठे लगते हैं फ्रेंड्स, देखिए, और अंदर एकदम रेड कलर होने की वजह से इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, ख़ासकर मेरे फ्रेंड्स, मेरे गाँव वाले। देखिए मेरा घर, घर के सामने ये एकदम छतरी जैसा व्यू आपको दिखता है। देखिए घर के ऊपर ये पक चुका है। और एक खासकर एक बात आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारी पशु पक्षी यानी चिड़िया, बटरफ्लाई, बहुत सारी ये जाम के लिए आते हैं फ्रेंड्स। देखिए गिलोरी कहते हैं ना, गिलोरी और तोते, बहुत सारे पैरोट्स आके खाते हैं। देखिए कितना येलो कलर का हो चुका है, देखिए आप, ऐसे बहुत सारे पैरोट्स आके खा चुके हैं रोड को। ये पेड़ रहने की वजह से बहुत सारे फ्रेंड्स, देखिए कैसा कलर हो चुका है इसका, येलो कलर। अभी ये बहुत कम है फ्रेंड्स, नहीं तो झाड़ ऐसा झुक जाता था इसका। अभी ये लास्ट हुए हैं। बहुत सारे इसको हम लोग अभी तोड़ के बांट चुके थे, आप देख सकते हैं लास्ट में भी आपको झाड़ को दिख रहे हैं इधर उधर। नहीं तो जितना पत्ता था उतना कुछ कम नहीं था फ्रेंड्स इसको ये। और इसके ऊपर ही एक कागज़ का फूल का पेड़, देखिए नीचे से उसकी बेल इसको जाम के पेड़ को लटक गई है। देखिए ये कुछ कम 10 ईयर्स का है फ्रेंड्स ये। देखिए आप देख सकते हैं एकदम धूप को ये चमक रहा है। देखिए मेरा घर, घर के सामने। आज के व्लॉग में मैं ये आप लोगों के लिए स्पेशल शूट किया हूँ फ्रेंड्स। अगर लाइक अच्छा दिखा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे व्लॉग्स को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोगों को बचपन में किस किस को ये अमरूद पसंद थे आप कमेंट करना मत भूलिए। देखिए कितने सारे लगे हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अभी ये काट कर आपको व्यू बताता हूँ। देखिए रेड कलर का ऐसा दिखता है अंदर काटने के बाद। आप लोग को किसको जाम, ये जाम कहते हैं तेलंगाना में, इसको हिंदी में अमरूद कहते हैं, तेलुगु में जामा कहते हैं। अगर किस किस को अगर बचपन में ये फ्रूट पसंद था आप कमेंट करना मत भूलिए फ्रेंड्स, खासकर जो गांव में जो रहते हैं लोग, अपने नानी के घर, नाना के घर, दादी के घर जो जाते हैं, बचपन में जाम का एक मेमोरी रहता है फ्रेंड्स। देखिए ये अमरूद कितने सारे पक चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने। इसमें जो थोड़ा साल्ट लगाकर आप खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी दिखेंगे फ्रेंड्स। ये तो बहुत कम है फ्रेंड्स, नहीं तो बहुत एकदम गिरकर फेंकने में भी चले जाते हैं मेरे घर पर। अभी कोरोना की वजह से स्कूल बंद है फ्रेंड्स, इधर स्कूल अगर चालू होगा तो स्कूल के बच्चे इसको बहुत पसंद से लेकर जाते हैं अपने बैगों में भर कर। मैं स्कूल के बच्चों में भी बांट देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए, क्योंकि एक मेरे घर पे माँ मैं दोनों ही रहते हैं, मेरे बहन के बच्चे तो यहाँ नहीं रहते हैं, इसीलिए बहुत बच जाते हैं मेरे मोहल्ले के लोग और गांव के लोग, सबको बांट देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए मैंने इसको लगाया था तकरीबन 9-10 साल पहले, अब इतना बड़ा हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स ये गर्मी के मौसम में भी हमको छांव देता है और हमेशा साल में 2 बार फ्रूट्स देता है, इससे बहुत फ़ायदे है फ्रेंड्स। देखिए इसलिए आप लोग भी पेड़ लगाइए अपने घर के पास, थोड़ी भी जगह हो तो। देखिए पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, हमको ऑक्सीजन मिलता है। देखिए फ्रूट्स मिलते हैं इस किस्म के, ऑक्सीजन से बड़ा तो कुछ नहीं है और फ्रूट से बढ़कर और कुछ नहीं है फ्रेंड्स अपने हेल्थ के लिए। ओके फ्रेंड्स, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।
ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अमरूद का पेड़ आज का व्लॉग में ये वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय।